तो देश काल का फासला पशुओं के चित्त में भी नहीं लगता। तो परमात्मा या गुरु या साधक के चित्त में देश काल का फासला कैसे हो सकता है? तो जो परमात्मा है, अस्तित्व जो है, वो भी तुम्हारा माता पिता वही है। तो जैसे बच्चा परेशान होता है तो माता पिता बेचैन हो जाता है, तो अस्तित्व जो है, ईश्वर जो है, तुमको परेशान नहीं करना चाहता है। तुम यदि परेशान हो तो अपनी कल्पनाओं के कारण हो, तुम्हारे नासमझ के कारण, कुसंग के कारण। तुम यदि खिन्न हो, दुखी हो, तो मान्यताओं के कारण। अष्टावकर बोलते हैं, न तुम विप्रादि को वर्णो, न श्रमी, न क्षम गोचर, असंगो असि निराकारो, विश्व साक्षी सुखी भव। कृत उपासक है, यदि श्रद्धालु है, अधिकारी है, तो इन वचनों से महावीर ने कहा श्रावक लोग सुनने मात्र से तर जाते हैं। श्रावक माना जिस अधिकारी है, अधिकारी श्रोता सुनने मात्र से सत्य को उपलब्ध हो जाता है। अष्टावक्र इतनी ऊंची बात कर रहे हैं कि उस करना कुछ नहीं है, केवल चित्त की विश्रांति पाना है। चित्त की विश्रांति मोक्ष है, चित्त की चंचलता बंधन है, बुद्धि फल अनाग्रह। जिद्दी लोग जो है ना, उनको परिश्रम करना पड़ता है। जक्की और जिद्दी, जितना जक्की स्वभाव है, जिद्दी स्वभाव है, उतना ईश्वर से हम दूर हैं। और जितना सरल स्वभाव है, वाह वाह साईं, वाह गुरु, तेरी मर्जी, तेरा बाणा मीठा लागे, उतना ही हम शांति को उपलब्ध होते हैं। सिंध में जो लोग रहते थे और विदेश में जाकर कमाते थे, उनको सिंधवर्की कहा जाता था। सिंधवर्की खूबचंद के बारे में सुना जाता है कि वो खूबचंद अपनी पत्नी माँ बाप छोड़ के विदेश में कमाने गया। खूब धंधा रोजगार में बरकत रही। 2 साल में एक बार आया, फिर 2 साल में आया, ऐसे करके उसको एक बेटा हो गया, एक का एक बेटा। खूबचंद अपने कमाने के लिए विदेश चला गया और उसके बेटे को निमोनिया हुआ, रो चल बसा, मर गया। पत्नी ने उसको खबर न दी। खबर देने से वो बेटा तो लौटेगा नहीं, पति जहाँ होगा वहाँ बेचैन हो जाएगा। पत्नी ने बेटा मरने की खबर नहीं दी। खूबचंद जब लौट के आया तो पत्नी ने एक गेम खेली, एक खेल खेला, पड़ोसन के गहने ले आई, पहन लिए, खूब सज धज के रही, पति का स्वागत किया मिसिस खूबचंद ने। पति ने पूछा किशोर कहाँ है, बेटा कहाँ है, कहीं होगा, खेलता होगा, आप नहाए धोए आराम करे। नहाए धोए, भोजन भोजन कराया, पैर पखाल रही है, सेवा कर रही है। बोलते देखिए गहने कितने सुंदर हैं, और पड़ोसन के लाई हूँ और वो मांग रही है, मैं उसे देना नहीं चाहती हूँ। पति बोलता कि पगली, किसी की अमानत है, उसको देने में क्या, ऐसा क्यों करती, तेरा स्वभाव क्यों बगड़ गया। बोले नहीं, वो मांगती तो है रोज रोज, लेकिन मैं देना नहीं चाहती उसको, जा दे पहले वो काम कर दिया। उसने बोला नहीं नहीं, ये तो गहने मेरे हैं। पति ने कहा खूबचंद के बोलती है पड़ोसन के हैं, मैंने तो मनाए भी नहीं दिए, तेरे कैसे हुए, पड़ोसी की चीज है, तुम्हारी तो नहीं है, उसमें अपनापन क्यों करती है, ऐसे क्या मुंह रखता, जा दे। लंबी चौड़ी बातचीत के बाद वो सचमुच दे आई। बोला कि जैसे वो गहने पर आए थे ना, मैं अपना मान रही थी तो बेवकूफ थी, ऐसे ही वो 5 भूतों का पुतला जो था ना किशोर, वो 5 भूतों का था, वो 5 भूतों में चला गया है, और मेरे को दुख होता है तो मैं बेवकूफ हूं ना। पति बोलता है अच्छा, तूने चिट्ठी नहीं लिखी। बोले चिट्ठी उस लिए नहीं लिखी कि शायद आप वहां दुखी हो, ऐसी बेवकूफी की चिट्ठी क्या लिखना। पति ने कहा ठीक है, बात तो सही है, 5 भूतों के पुतले बनते हैं, बिगड़ते हैं, 5 भूतों में किशोर का आत्मा तो अपना आत्मा एक है, आत्मा की कभी मौत होती नहीं और शरीर कभी शाश्वत टिकते नहीं है, कोई बात नहीं, वो निर्दयी नहीं है लेकिन समझदार है। तो अनुचित प्रसंग में, मोह के प्रसंग में, अशांति के प्रसंग में, यदि तुम कृत उपासक हो, तुम्हारे पास कोई समझ है, तो अशांति के प्रसंग भी तुम्हें अशांति न देंगे। अष्टावक्र कहते हैं न तुम विप्रो, विप्रादि को वर्णो, न आश्रमी,
नाक्ष गोचर आहा असंगो असी निर्विकार निराकारो विश्व साक्षी सुखी भवा। जैसे तू शरीर का साक्षी है, ऐसे मन का बुद्धि का साक्षी है, सुख और दुख का साक्षी है, ऐसे ही संसार का साक्षी है। धर्मा अधर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो हो। ये सुख और दुख, धर्म अधर्म, पुण्य पाप, ये सब मन के भाव हैं, उस विभु आत्मा के नहीं। सुख के भाव, धर्म के भाव, अधर्म के भाव, ये सब मन में आते हैं। तू मन भी नहीं है तो ये भाव भी तू नहीं है, तू विश्व साक्षी है।